नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। मैं यहाँ के जिला अस्पताल में महिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात हूँ। मैम, अक्सर सुनने में आता है जो एक इनफर्टिलिटी होती है, जो यानी बाँझपन। बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो कई साल हो जाते हैं शादी के बाद भी उन्हें बच्चे नहीं होते, तो ऐसे में सुनने में आता है क्या कितना कारगर है कि वाकई होम्योपैथिक में इसका बेहतर इलाज है? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने इस मुद्दे को उठाया। और जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, और एक चिकित्सक होने के नाते मैं बहुत ही ऑथेंटिक वे में आपको बताना चाहती हूँ कि इसके बहुत ही कारगर इलाज है, चाहे वो महिला बाँझपन हो, पुरुष बाँझपन हो। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, महिला बाँझपन के भी बहुत सारे कारण हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, एंड प्लस मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुष बाँझपन के भी अलग अलग कारण होते हैं। अगर हम उन कारणों का सही प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करके पहले डायग्नोसिस बनाते हैं, क्या क्या कारण रहे उस बीमारी को डेवलप करने के, क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसके आधार पे होम्योपैथी की दवा का चयन किया जाता है, और कुछ अंतराल तक उस मेडिसिन को अगर रेगुलर चलाया जाता है, तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी के केसेस में बहुत मार्वेलस सफलता मिलती है। कई बार मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि अभी मैं बच्चेदानी की गांठ का इलाज कर रही हूँ, कभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है जो कि बाँझपन का एक बहुत प्रमुख कारण होता है, लेकिन आमतौर पर बोला जाता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में बच्चा होगा ही नहीं, या फिर आपको ज़्यादा महंगी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि इलाज के दौरान ही 2-3 महीना 4 महीना जाते जाते प्रेगनेंसी रुक जाती है। अभी वो बीमारी ठीक भी नहीं हुई पूरी तरह से, लेकिन प्रेगनेंसी रुक जाती है। इसकी एक बहुत प्रमुख वजह है, वजह ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिंस जो होती हैं वो वाइटल फोर्स पे काम करती हैं, यानी आपकी जीवन शक्ति को सुधारती हैं। अगर किसी कारणवश आपके यूट्रस यानी बच्चेदानी की शक्ति कमज़ोर हो गई है, तो जैसे जैसे होम्योपैथिक मेडिसिंस चलती हैं आपकी वो पावर इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और बहुत कम समय में ही, मात्र 3-4 महीने कौन सा ज़्यादा समय है, इसमें भी हमें काफ़ी मार्वेलस सफलता मिलती है। मैम, इसमें क्या कारण होता है कि अक्सर मतलब ऐसा देखने में आता है, क्या खाने पीने से होता है, या फिर उनकी जो मतलब कुछ फिजिकली कह लिया जाए तो उस तरह से, मतलब क्या मेन इसमें क्या रीज़न आते हैं जिसकी वजह से फन आता है दोनों लोगों में अगर देखा जाए तो? देखिए, महिलाओं के बारे में सबसे मैं पहले बताना चाहूँगी क्योंकि महिला केसेस मेरे पास ज़्यादा हैं। तो महिलाओं में सबसे बड़ी वजह, जैसे आपने अभी कहा, खान पान एक बहुत बड़ी वजह है। महिलाएं अपने परिवार के लिए तो बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पोषण की बात जब आती है, अपने खान पान की बात आती है, तो वो लापरवाह हो जाती हैं, और ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स मिल के उनके अंदर जो हार्मोनल बदलाव पैदा करते हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर को बनाता है। अगर हमारा आहार पौष्टिक नहीं है तो डेफिनेटली हमारे अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, और जब हार्मोन्स की समस्या होती है तो गंभीर बीमारियां जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, इसके अलावा बल्कि यूट्रस है, लिकोरिया है, ये सब ऐसी तरीके की प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। और इसके लिए डाइट, जैसे आपने कहा, डाइट बहुत बड़ी चीज़ है। हमें मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट को उसकी डाइट मैनेजमेंट भी बतानी पड़ती है कि आप अपनी डाइट को सुधारिए, पॉजिटिव सोच रखिए, एक्सरसाइज करिए, इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। ख़ासतौर से अपने भाइयों के लिए कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो पुरुष भाई हैं उनके अंदर जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो स्पर्म से संबंधित होती है, जैसे स्पर्म की प्रॉब्लम हो सकती है, लो स्पर्म काउंट हो सकता है, ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। इसके अलावा बाई चांस अगर उनको कोई पेट में प्रॉब्लम चल रही है, जैसे यूरिन संबंधी कोई समस्या है, उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। यानी एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पुरुष के अंदर कभी भी पेशाब में प्रॉब्लम हो या स्टमक प्रॉब्लम हो, पेट बराबर सही नहीं होता, तो ये भी एक बड़ा रीज़न माना जा सकता है बाँझपन के लिए कि उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती। जी, ये जी, एक वजह है, वजह है। मेल्स तो इसके लिए फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना। हाँ, उस